आज हमनी के सुर संग्राम के मंच पे एगो इतिहास बने वाला बाटी। सुर संग्राम के दबंगन के बीच कुछ असली दबंगा रहल बड़े। खान परिवार के दूगो सितारा हमनी के एगो बिहार के सनसनी के लेके आज मंच पे आई तो इतिहास जिंदा हो जाई। दबंग शब्द, ओह दबंग शब्द के इतना जिंदा करे खातिन अरबाज भैया हम आपके बहुत धन्यवाद देता नहीं, लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। पहले मैं आप लोगों को सबको थैंक करूंगा हमको सुर संग्राम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमनी के 30 करोड़ लोगन के बीच में जाए वाला इस चैनल से हम आप लोगन के जे दिखा रहल बनी हमरे जो अगल बगल जितना लोग खड़ा बने आप जाना तो नहीं आज हम कितना पावर में बनी। रवि भाई, रवि किशन जी, हमनी के कल्पना जी, हमनी के मालिनी जी, ये तीनों न्याय मंडल और हमनी के साथे साथे जो 11 गो दबंग सुर के खिलाड़ी बड़े भैया, ये सब बहुत दबंग बड़ा सन गुल देख ही रहे एकदम दबंग। हमनी की ओ नाम से आज तक हमनी के कितना उड़त रहनी जा शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी और पूनम भाभी मिलके एगो इतना बड़ा सितारा दिए हमनी के, हमनी के सोच भी नहीं करनी जा। नमस्कार कहना चाहूँगी, ये मेरा पहला शो है जो कि भोजपुरी में मैं करने वाली हूँ। बात तो नहीं करूँगी बट सुनूंगी और समझूंगी एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आकर। थैंक यू। मलाइका जी मुन्नी बदनाम हो गिलवा डार्लिंग, क्योंकि मुन्नी बदनाम हो गए ऐसे आप बोलेंगे तो थोड़ा डर लगता है फिर। बदनाम तक तो फिर भी ठीक था, झंडू बाम हो गई। मुन्नी बदनाम भइल डार्लिंग तोरे खातिर। एगो लाइन वो जो आपने सलमान भाई के साथ जो कहा था वो डायलॉग प्लीज, मैं खुद सुनना चाहता हूँ और आपके जो जितनी फैंस अब हैं सब सुनना चाहते हैं। सिर्फ ये बस आप लोगों के लिए है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। जोरदार ताली और हम प्रार्थना करते नहीं अपने 30 करोड़ भोजपुरी भाषी लोगों से देश दुनिया में कि हमनी के दबंग के ऐसन ओपनिंग लग जाए कि सारी दुनिया के आंख पटल रह जाए। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से, और उसी पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। अब हम सीधे सीधे अपने जस्ट आप लोग से अनुमति लेके और अपने आदरणीय दबंग के टीम से अनुमति लेके आपके ही बता के कि हमनी के जो सुर के दबंग बाड़ा सनाज इनकर नाम डावर रेड पेस्ट यूपी के शान, ई लोग के नाम बिहार के आन। एकरा में से जे भी गाना गाए आई सर ओकरा के आपो लोग के नंबर देवे के बा। आप लोग तीनों लोग मिलके ना 40 में से कितना नंबर दे सकीला दे देव जा। सर जोरदार ताली से स्वागत करें जा उत्तर प्रदेश के शान देवरिया के सुभा मिश्रा जी के सुर के दबंग दबंगन के मौके। जब से पहिर ले
दीवाना लोग हो गए हम, सीधे चलत बनी अरबाज सर के पास, मलाइका जी के पास और सोनाक्षी के पास कि आप लोग इनका के कितना नंबर देव जा कैसन लागल। आपके बारे में सुना है कि आप हर गाना बड़े दबंगई से गाते हैं और एकदम जोश वाला गाना गाते हैं, सॉफ्ट रोमांटिक गाने बहुत कम गाते हैं, तो आज भी वही देखने मिला। तो ऑल द बेस्ट, आपने अच्छा गाया एंड बीच में हम पॉइंट्स देंगे, इनका क्या कहना है सुन लेते हैं। मलाइका जी आपके कैसन लागल इनका गाना? बहुत मज़ा आया, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने गाया है। अब बस यही बाकी है कि इनको कितना, मतलब कितने मार्क्स देना पड़ेगा अभी डिसाइड करके हम बताएंगे। सोनाक्षी जी, ये इतना कह सकते हैं यूपी की शुरुआत तो बड़ी दबंगई से हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत पावरफुल वॉइस है आपकी, बहुत अच्छा गाया आपने। 30 तो ये तीन जज में से एक लोगन के चहबूत नंबर बतावल जा सकेला, केकर बताई? कल्पना दीदी। कल्पना जी आप अपन नंबर बताई? 29। दबंगल के टीम देलस 30 और रेगुलर जज कल्पना जी देली 29। और ये नंबरिंग के बाद एक घमासान में भोजपुरी संगीत के महासंग्राम में जो दबंगई चल रहा बाटे, सुबह के बाद और कोई आई लेकिन मत बोली आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार। देख रहल बा दबंगई के अंदाज में ही घमासानी जहान, संग्राम द्वितीय महायुद्ध। आज बॉलीवुड के सबसे चर्चित फिल्म के तीन लोग यहाँ उपस्थित बाड़े, ओकरा में तीनों खास बाड़े और सबकर अपन अपन महत्व बा। हम ए महायुद्ध के आगे बढ़ावत बुला रहल बानी अपने बिहार के आन के अगला महायोद्धा जितेंद्र कुमार। चाल में भी दबंगई, सुर में भी दबंगई, आज तोहरा के हम अपने हवाले ना अरबाज सर के हवाले कर दे। बॉडी में तो पावर दिख रहा है, अभी आवाज में कितना है वो देख लेते हैं। दबंगई तो हमरे खून में बा भैया, पूरे बिहार के। देख के तोहर मस्त जवानी, जियरा बस में नहीं खे रानी, मारा दाड़ू छत पर से जान जान जान। देख के तोहर मस्त जवानी, जियरा बस में नहीं खे रानी, मारा दाड़ू छत पर से जान। ए हो कबूतर नीचे आ जा, प्यार करता ना आके खा जा, तो माहौल के गरम गरम आयल, प्यार के मौसम तू बहिया में आ जाए जानम आइन बा, प्यार के मौसम तू बहिया में आ जाए जानम। देख के तोहर मस्त जवानी, जियरा बस में नहीं खे रानी, मारा दाड़ू छत पर से जान। ए हो कबूतर नीचे आ जा, प्यार के दाना आके खा जा, कदम माहौल के गरम गरम माइल, प्यार के मौसम तू बहिया में आ जाए जानम आइल बा, प्यार के मौसम तू बहिया में आ जाए जानम। दिल पे ना काबू, मन लागे न तनिको पढ़ाई में, ओहो कानी साँचे जवन तोहरा में रस नाही छेना या खोआ मलाई में, तोहर नावे हड़के करे जा, प्यार से एगो कॉपी दे जा, छोड़ तू लाज या शरम शरम आयल, प्यार के मौसम तू बहिया में आ जाए जानम आइल बा, प्यार के मौसम तू बहिया में आ जाए जानम। देख के तोहर मस्त जवानी, जियरा बस में नहीं खे रानी, मारा दाड़ू छत पर से जा। देख के तोहर मस्त जवानी, जियरा बस में नहीं खे रानी, मारा दाड़ू छत पर से जा। ए हो कबूतर नीचे आ जा, प्यार के दाना आके खा जा, कदम माहौल के गरम गरम आइल, प्यार के मौसम तू बहिया में।
तोरे स्वर में कितना दबंगई बा, तोरे लय में ताल में कितना दबंगई बा, एकरे खातिर हम सीधे चलब दबंग के टीम के तरफ। जितेंद्र क्या बात है, मजा आ गया। एक तो आपका गाना, एक तो आपका स्टाइल, एक तो आपका परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं जब आप स्टेज पे कोई चीज़ परफॉर्म करते हो। एक एक आर्टिस्ट में ये सारी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। एंड यू हैव ऑल, यू वर फैंटास्टिक, एंटरटेनिंग, मज़ा आ गया। आप तो बिहार की आन शान बान भी बन सकते हो और बहुत जल्दी बन जाओगे। अभी बिहार का इस वक्त पल्ला भारी है इस वक्त, क्योंकि थोड़ा बिहार चढ़ गया ऊपर। मलाइका जी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बस अभी मार्क्स देने के लिए मैं तरस रही हूँ यहाँ पे, बस वो कह दूँ मैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है 40 में से 37 देना चाहिए। बिहार की आन के जितेंद्र के मिलल बड़े 37। तीन को जज में से केकर नंबर जानल चाहब? आज हम मालनी दीदी के नंबर जानल चाहब। नंबर हमारी तरफ से 32। 40 में 32 और कल्पना जी के नंबर और रवि जी के नंबर तोहरा कभी नहीं बतावल जाए, कहे कि यही नंबर के आधार पे पता चली कि तू भंवर जाल में फंस जीब या तोहर गाड़ी निकल जाए। चल के अपने कुर्सी पर बैठ जा और इंतजार कर अपने आगे के। पाकिस्तान के तरफ से बुला रहल बानी हम आज दबंगन के महफिल में मंगला सलोनी जी के। इनका क्या आप नंबर देही, उससे पहले हमारे मन में एगो सवाल बा। एक लड़की अपन कैरियर शुरू कर रहल बिया और एक आदमी अपने सफलता के सोपान पे चरम पे, तो कैसन लागल उनका संगी कंकर? सलमान अरबाज और अभिनव के रूप में आई थिंक मुझे टीचर्स मिले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया मुझे, ऐसा बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया कि मैं न्यू कमर हूँ। बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरे लिए और आई थैंक यू। अरबाज सर, आप एक भाई के रूप में कितना गौरवान्वित हैं सलमान भाई पे? मुझे गर्व फील होता है कि सलमान खान इस दुनिया के सबसे मतलब चाहते, हिंदुस्तान के सबसे चाहते जो कलाकार हैं, आदमी हैं, वो मेरे घर में हैं और वो मेरे भाई हैं, तो इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ। और मलाइका जी के पास हम चलेंगे।
इसके लिए कि क्या नंबर इस बच्ची के लिए? हमने डिसाइड किया कि 40 पर हम इनको 34 देंगे। और इस 34 के साथ हमनी के मंगला सलोनी जी के स्वर में दबंगई के एहसास हो रहा बाटे। केकरा से नंबर जानल चाहबू तीन जज में से एक? मालिनी मैम से। मंगला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज ये गाना चुना। गुजरे दौर की याद आई और आप पे गाना बहुत सूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 34। और मंगला सलोनी जी, चल के अपने कुर्सी पर बैठा, खुश होकर कल्पना जी और रवि जी के नंबर बाद में पता चले। तो अब हम बुला रहा बनी अपने के आन के तरफ से जाहिद भाई के। हसके लुभावा जानी जिया तरसावा, हसके लुभावा जानी जिया तरसावा, बिन बत्ती मोहब्बत के जर जाई रे, जर जाई रे, जर जाई रे। ए बॉबी, ए बॉबी, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे। ब्यूटी से भरल लगावा, ब्यूटी से भरल लगावा, देख के दोरी हमरा, ब्यूटी से भरल लगावा, गोरी हो जान तुम्हारे लो, ब्यूटी से भरल लगावा, गोरी हो जान तुम्हारे लो, देख के लोगवा फिदावा, नैना से बान तुम्हारे लो, तोहर रूप सिंगार गोरी का जरा के धार, बिन छुरी करे जा उतर जाई रे, उतर जाई रे, उतर जाई रे। ए बॉबी, ए बॉबी, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे। हसके लुभावा जानी जिया तरसावा, हसके लुभावा जानी जिया तरसावा, बिन पत्ती मोहब्बत के जर जाई रे, जर जाई रे, जर जाई रे। ए बॉबी, ए बॉबी, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे, कौन पूर्व के जवान पीछे पर जाई रे, कौन भोजपुरिया जवान पीछे पर जाई रे। सोचले रहिया कि तीन लोगन में से एक लोगन से नंबर जान सकेला, लेकिन जेकर नंबर पक्का पता चली वो आज हमनी के दबंग के टीम बाटे। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इससे पहले दो दो कंटेस्टेंट्स आए, मतलब यूपी की लड़कियों ने प्यार मोहब्बत की सुरीले गाने गाए और अपने बिहार के लड़कों ने पटाने वाले गाने गाए। उनको मैंने नोटिस किया, एक बोल रहा है कैसे मैं लड़की को उतर के नीचे आ, तेरे को पटाना है, एक बॉबी तूने ऐसा कर दी, बत्ती जला दी, ये क्या चक्कर है भाई। तुम लोग बहुत लड़कियों को पटाने में लगे रहते हो ऐसा लगता है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी पटाने वाले स्टाइल को तो हम तो पटाने वालों के साथ ही है। अच्छा। अभी तक तो यूपी और बिहार की दबंगई में हम देखना चाहते थे कि कौन ज्यादा दबंग है। अभी तक बिहार ने यूपी में इतने छेद किए कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से ले और पाथे कहां से। जाहिद, लेकिन बहुत मजा आया, मतलब मैं देख रही थी यहाँ पे सब लोग उठ गए, डांस कर रहे थे, मतलब एकदम मजा ले रहे थे। तो उसी के हिसाब से हम आपको पॉइंट्स भी देंगे। सोनाक्षी, व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा गाया आपने, एंड पॉइंट्स हम आपको देना चाहेंगे 35। तीन लोगों में से केकर नंबर जानना चाहबो? मालिनी मैम से। मेरी ओर से आज आपके लिए मार्क्स हैं 31।
बड़ी मस्त माहौल बा। कहे कि आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार। देख रहल बाटे हमनी के जहान, सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। हमनी के थीम बा दबंग, और दबंग लोगन के आइटम सॉन्ग तो बहुत पसंद होला। और हमनी के बीच में तो आज एगो हिंदुस्तान के बड़ी चर्चित आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा खान भी बैठल बड़ी। तो हम बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के मनोहर सिंह की। हे 2008 से बनल बाने पीछा आ गइल दस पूरा भइल ना इच्छा। 2008 से मरल बाने पीछा आ गइल दस पूरा भइल ना इच्छा। रहतानी बड़ा परेशान ये जान कहीं हिम्मत जुटा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। 2008 से मरल बाने पीछा आ गइल दस पूरा भइल ना इच्छा। रहतानी बड़ा परेशान ये जान कहीं हिम्मत जुटा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। जनवरी में तोहरा के देखत दे दिहली हम दिल हो, दे दिहली हम दिल हो। माह जनवरी में तोहरा के देखत दे दिहली हम दिल हो, दे दिहली हम दिल हो। मन मंदिर के बना लिहल रानी रहे हम लगली गील हो, रहे हम लगली गील हो। फरवरी में कहना ही पवनी मार्च में मन मारी रही गली कि तले अप्रैल में आयल इम्तिहान कही कही ली कसमसा के होता हमरो जवानी जिया मुअब अब फसरी लगा के। मन मंदिर के बना लिहल रानी रहे हम लगली गील हो, रहे हम लगली गील हो। फरवरी में कहना ही पवली मार्च में मानी मारी रही गैली तल अप्रैल में आयल इम्तिहान रही गैली कसमसा के होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। होता हमरो जवानी जिया मुअब हम फसरी लगा के। हम तोरे खातिर चलब सीधे पहले मलाइका जी के पास। किसके लिए गाना गा रहे थे? भैया ने बोला कि यूपी के तरफ से कोई प्रपोज या कुछ ऐसा बोले थे। हाँ, तो अच्छा, बड़ा दिल को लग गया था। अच्छा अच्छा, इसलिए हम तीनों लोग को बोल रहे थे पारी पारी। अच्छा ये बात है। तीनों लोग को तो बोल रहे थे बट एक ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी आपसे। वो कौन है? अब उन दोनों के बीच की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी। इन तीनों के बीच की बात है, हमको नहीं मालूम। आपको हमने डिसाइड किया कि 33 पॉइंट्स देंगे लेकिन 2 पॉइंट्स आपके वो अटैक का देंगे, तो बेसिकली 35 पॉइंट्स देंगे आपको। एकर मतलब कि दबंग भी दिलदार होले, तो नंबर बढ़ गए। और तीन आदरणीय जज लोगन में से कोई एक व्यक्ति के नंबर आपके जाने के अधिकार बाटे। आप केकर नंबर जानना चाहो? रवि भैया से जानना चाहत। हम नंबर तरह के देता नहीं, 34। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मनोहर बाबू जाके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। जय हिंद। अब हम अपने उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के आन के तरफ रुख करतनी। जोरदार ताली से स्वागत करे के झारखंड के खुशबू के। लहरिया ए बाला
से आवाज आवता सुपर तरह के मलाइका अरोड़ा खान जी कहत बनी सुपर जिनका खातिन सारी दुनिया कहले बस सुपर डुपर सुपर उत्तोरे खातिन कहत बड़ी सुपर। आपने बहुत अच्छा गाया और जिस तरह से आपकी कमर हिल रही थी और आपके एक्सप्रेशंस जो थे पता लग गया कि आपको ये गाना गाने में ही उतना मजा आया। बहुत अच्छा गाया आपने। हमारे मेरी तरफ से अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहा है। मुझे भी लगता है कि अभी तक आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। एंड जब आप गा रहे थे मतलब जो सुर था एकदम हाई था लेकिन आपके चेहरे पे इतना भी मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं था, एकदम स्माइल करके आपने जो गाया था आराम से, जो आपके मुंह में एक जो एक डिम्पल है यहाँ पे जो साइड में एक डिम्पल है, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। डिम्पल जाने लो कहलो ना ए का होला गलिया में गड्ढा होला। चलो उसी बात पे हम आपको 38 देंगे। 38। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो शायद होंगे जितेंद्र पर आप हैं हेमा मालिनी। खुशबू के खुशी के कोनो सीमा नहीं खे लेकिन खुशबू के खुशी का रउआ सबके नंबर जानला के बाद बरकरार रही। खुशबू तू केकरा से नंबर जानल चाहता रू? मालिनी मैम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से तुम्हार खाते नंबर बस 37। 37 दबंग के टीम तरफ से 38 और मालिनी जी दिल्ली 37। और हम सीधे चल रहल बनी अब खुशबू के बैठाए अपनी कुर्सी पर और महायोद्धा के अगले युद्ध में जा। अब बारी बाट हमनी के वो कलाकार के बुलावे के उत्तर प्रदेश के उमेश के जोरदार ताली से स्वागत करे के हमनी के। जीन्स पहिरले बाड़ी बबुनी जीन्स पहिरले बाड़ी इतना सकेत नौ से नौस तनाइल पाका साइल इन करुदे नौ से नौस तनाइल पाका साइल इन करुदे नौ से नौस तनाइल पहिरा तू अच्छा अच्छा हो भैलू से आन तू तो नहीं खुआ भी बचा देसी ड्रेस पहिरा तू अच्छा अच्छा तोहरा के समझावलिया तोहरा के समझावलिया हिमालय चढ़ल गेट नौ से नौस तनाइल बा नौ से नौस तनाइल बा पक्का साइल इन करबेट नौ से नौस तनाइल बा पक्का साइल इन करबेट नौ से नौस तनाइल बा बबुनी जीन्स पहिरले
जीन्स पहिरले बाड़ी इतना सकेत न से नस तनाइल बा कसाइल इनकर पेट न से नस तनाइल बा। उमेश का दिन जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और उमेश एक बहुत हॉट गाना जो उनकी बवनी जो जीन्स पहन के जो निकलता है उसके बारे में कैसे कैसे गांव के लोग सोचते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहो? मैंने ये सुना है कि ये वैसे तो फोक गाना ज़्यादा गाते हैं जी, राइट है ये, और इस बार इन्होंने एक आइटम गाना गाया है। तो आइटम गाना तो जनरली लड़कियों के लिए होता है, लेकिन इन्होंने कुछ धूम मचा दी। क्या बात है, धूम मचा दे। और ये सोनाक्षी भी महसूस करत अड़ी जी, बिल्कुल जिस अदा से वो फोक गाना गाते हैं उसी खूबसूरती के साथ इन्होंने आइटम नंबर भी गाया है, बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही कहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आपका ये आइटम गाना सुन के। 30 इनके पास अधिकार बांटे कि जज लोगन में से, तीन जज लोगन में से कोई एक के नंबर ही जान सके ले। सबसे पहले तो हम चाहब कि ये फिल्म देवरा बड़ा सतावेला रवि भैया पर फिल्म आल गई पा, बस दू मिनट हमारे साथ मंच पर आ जाए। तो भैया लगले हाथ बता दे इनका कि नंबर तू कितना देले बड़ा? दोहरा 32 नंबर देता। यहाँ हम चाहब कि घमासान बनल रहे, रहुआ सब बनल रही जा, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार, देखत रही जाई घमासान, सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। हे मंच पर बनल रहे खातिर हर बार करे के परी मजेदार प्रयास, हर बार करे के परी मजेदार परफॉर्मेंस, और वही परफॉर्मेंस खातिर अब बुला रहल बानी दबंगन के उपस्थिति में, न्यायमंडल के उपस्थिति में, बिहार के आन प्रियाराज जी को। उम्र 19 कैल जियल मुश्किल भइल, उम्र 19 कैल
आज के गाना खातिर चल रहे दबंग टीम के पास। मैंने सुना है आपने कल्पना जी का गाना गाया है, ये आपने गाया था? अब आपने इतना मधुर गाया है, अब मुझे ओरिजिनल भी सुनना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। ये जो आपका जो वर्जन था, मुझे लगता है कि शायद ओरिजिनल से भी बेटर है। गाना आपने बहुत अच्छा गाया है, ये गाना वैसे भी बहुत पॉपुलर है। हमने डिसाइड किया कि 40 पर हम इनको 34 देंगे। जोरदार ताली बजाइए दबंग लोग, बहुत अच्छा आपके बारे में बोलने बाटे। प्रिया राज, आपके पास तीन गो जज में से कोई एक लोगन के नंबर तो जान सकेलू, केकर नंबर जानल चाहत रवि भैया? एकदम कोनो कड़ाके का माल नहीं खे लगल, तोरा के हम नंबर देता नहीं। 24। अब तक के सबसे कम स्कोर मालिनी जी और कल्पना जी के नंबर पे भरोसा रखिया, चल के अपने कुर्सी पर विराजा। जय हो। आज के प्रस्तुति के बाद कितना भी दबंगई होके, आज भंवर जाल में तीन लोग जाई जेकर सबसे कम नंबर बतावल जा रहल बा। दू गो जज लोगन के नंबर बाद में बतावल जाई। अब यही गवासान में बुला रहल बानी हम उत्तर प्रदेश के शान विशाल कुमार के बागी बलिया से। के हम धोली एक बार में का बतलाई कितना डूबल बानी तोहरा प्यार में। कजरारी नैना के कोरवा पान मारे ला, 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 ला। सानिया मिर्जा कर न थुनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कर न थुनिया जान मारे ला, जान मारे ला, जान मारे ला। कौशल बदनवा हटे हटोलो से नहीं धयनवा, चढ़ जवानी ब कौशल बदनवा हटे हटोलो से नहीं धयनवा। कौन गुलाबी गाल गजब के सान मारे ला, 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 ला। सानिया मिर्जा कर न थुनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कर न थुनिया जान मारे ला। मन करेला तोरा के हम धोली एक बार में का बतलाई कितना डूबल पानी तोहरा प्यार में। मन करेला तोरा के हम धोली एक बार में का बतलाई कितना डूबल पानी तोहरा प्यार में। कजरारी नैना के कोरवा पान मारे ला, 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 ला। सानिया मिर्जा कटना थुनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कटना थुनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कटना थुनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारे ला, जान मारे ला, जान मारे ला, जान मारे ला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारे ला। सर चलत रहेला ये सब सानिया मिर्जा की तरह नथ। और हमारी सोनाक्षी, आपने देखा है इन्होंने भी, ये भी नथ पहनती है। आपने इनके लिए गाना नहीं गाया? मान लीजिए। अच्छा, अच्छा दिमाग में अच्छा, अगली बार, ये अगली बार नाम का नाम की अदली बदली कर देना आप। नाम मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली आपको किस पे अच्छा लगता है, सानिया जी पे या सोनाक्षी जी पे? अभी तो सामने मैं इन्हीं को देख रहा हूँ, अच्छा लगेगा। सही बात। और सबसे बड़ी बात, फिल्म रिलीज होके दी ही सब सोनाक्षी सोनाक्षी ही रही है, केवल दबंग दबंग रही। वैसे सानिया हमारी बहुत अच्छी खास दोस्त भी हैं, फैमिली फ्रेंड है, उनको मैं ज़रूर बताऊंगा कि जिस दिन ये प्रोग्राम एयर होने वाला है ये देखें कि आपके कितने बड़े आशिक सिर्फ टेनिस वर्ल्ड में नहीं बाकी पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी है। लेकिन मज़ा है आपका गाना भी सुन के, बहुत बहुत मज़ा है हमें। ओके, हमने डिसाइड किया कि 40 पर हम इनको 34 देंगे। ओके, तीन गो जज में से कोई एक लोगन के नंबर तू जान सकेला, तू केकरा से सुनल चाहता? कल्पना मैम। विशाल, आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जोश के साथ आपने परफॉर्म किया, और नंबर है 33। हमनी के डाबर रेड पेस्ट, यूपी के शान और बजाज एलमंड, बिहार के आन के बीच मचल बाटे घमासान, और विशाल बाबू जाके लेला अपन स्थान। अरे घमासान में हम चल रहल बानी सीधे अगला अपने महायोद्धा के तरफ,
जेकर हमी नहीं के इंतजार करत, दबंग के टीम भी इंतजार कर रहल बिया। जोरदार ताली से स्वागत करे के झारखंड के ममता रावत के। ममता रावत खातिर भी हम सीधे चल रहल बनी ओह टीम के तरफ जो आज पूरा देश दुनिया में दबंग के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। क्या बात है ममता जी, हमारे फिल्म का जो गाना मुन्नी बदनाम हुई वो ममता शर्मा ने गाया है, उनका डेब्यू था हमारी फिल्म में। शायद कभी आप बहुत जल्द किसी फिल्म में डेब्यू करें। ममता रावत है राइट साहब जी, बिल्कुल मुबारक हो। मलाइका जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको भी किसी फिल्म में चांस मिले एक प्लेबैक सिंगर के लिए, एंड आई होप एंड प्रे ऑल द बेस्ट फॉर यू। आपकी मुस्कुराहट आपके गाने में झलकती है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, एंड मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। उसी बात पे हम आपको 38 देंगे। 38। किकरा से नंबर सुनल चाहता हूं? मालिनी दीदी 31। 40 में 31 नंबर अच्छा नहीं होला, लेकिन ममता रावत के 31 मिलल बा मालिनी जी से, रवि जी से का मिलल बा, कल्पना जी से का मिलल बा, ई तो हम नहीं बता सकी ना। जवन महाजोद्धा अपने प्रदेश के शान बनत 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 विजेता बन जाई, ओकरा के मिली 25 लाख रुपया SI के शानदार बाइक। मचल बाटे घमासान और भोजपुरी संगीत के महासंग्राम में, जहां हर तरफ से दबंग गई। दबंग हम हो थोड़ा सा दबंग गई करब घमासान में, सब देखत रही जा सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध पर बनल रहे खातिर हर बार करे के परी मजेदार प्रयास, हर बार करे के परी मजेदार परफॉर्मेंस। आज कोई न कोई तीन गोब हमर जाल में फंस जाए जो नंबर घोषित हो रहा बा ओकरे आधार पर। हम बुला रहल बानी एगो ऐसन लड़का के आइटम सॉन्ग गावे खातिर, क्योंकर नाव लेते आप सोचब कि ई और आइटम जी। जोरदार ताली से स्वागत करे भोजपुरिया हिंदुस्तान सुर प्रेमी जहान रघुबीर जी के उत्तर प्रदेश के साथ। भैया कहू हमरा के ठीक ना हुई,
मैया कहू हमरा के ठीक ना होई। भले कहला हमके लोफर, भले कहला तू आवारा, तकलीफ ना होई। बाकी भैया देख भैया, बाकी भैया कहू हमरा के ठीक ना होई। बाकी भैया कहू हमरा के ठीक ना होई। रघुवीर बाबू, आपके गाना दुनिया तो सुन नहीं बाटे, आज हमनी के मंच पे दबंग फिल्म जो आवतिया सलमान खान जी के और सोनाक्षी जी के, जेकर प्रोड्यूसर अरबाज खान जी, उ लोग बैठ के तुहार गाना सुन रहल बाटे। जो हौसला है आप में, जो हिम्मत है, ये चीज बहुत मतलब दाद देने लायक है, अनबिलीवेबल। आपका जो पूरा जो अपने पे जो कॉन्फिडेंस है इज अनबिलीवेबल। आपका आई होप दिस टेक्स यू अ लॉन्ग वे, और आपकी सारी जो उम्मीदें हैं वो सब पूरी हों। थैंक यू रघुवीर, ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू मैम। सोनाक्षी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भगवान कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है, एंड आप में कूट कूट का टैलेंट भरा हुआ है। आपने बहुत अच्छा गाया, एंड ऐसे ही अच्छा गाते रहेंगे। थैंक यू मैम। हम लोगों ने डिसाइड किया 40 में से 37 देना चाहेंगे। रघुवीर बाबू, आपके सामने तीन गो जज लोग बनी जा, मालिनी जी, रवि जी, कल्पना जी। आज मैं कल्पना मैम से जानना चाहूँगा। रघुवीर, मैं खासकर आपके जो सुर लगाने का अंदाज है उस पर, उसके मैं कायल हूँ। सीधा नोट को, स्ट्रेट नोट को लगता है, वो बहुत बड़ी बात है, और तो उस हिसाब से मार्किंग है 35। थैंक यू। 35 नंबर रघुवीर जी खातिर, और दबंगन के और जज लोक में कल्पना के नंबर मिला के नंबर आपके सामने बा। बाकी का होई ई बतावल जी आपके, चल के अपने कुर्सी पे बैठ जाएं। आज के पूरा कार्यक्रम में जहां दबंग के टीम बाटे, जहां दबंगई के भाव रहे, जहां सब कोई दबंगई से गावल, दबंग खातिन शुभकामना दिहल, जब सारा परफॉर्मेंस पूरा हो गई तो सिर्फ एक ही बात पे सब कोई टिकल होई कि केकर सबसे कम नंबर बा। लेकिन वो बतावे से पहले आपके मालूम बा कि हमनी के शनिवार के एगो अवार्ड दे ली जा, परफॉर्मेंस ऑफ द डे, केकरा के मिली इन हम डिसाइड करब, न दबंग भैया लोग करी हैं तो मालिनी जी, रवि जी और कल्पना जी। आदरणीय न्याय मंडल, आज के
परफॉर्मेंस के कर लागल आप लोगन के? खुशबू जोरदार ताली बजाई जा खुशबू और ताजा परफॉर्मर ऑफ द डे भैलवाड़ी। खुशबू के गाना के साथ ही खुशबू के स्वर भी पसंद आयल और खुशबू के वो आइटम सॉन्ग भी सबके पसंद आयल, वो गाना के सिलेक्शन भी पसंद आयल। और जा खुशबू अपनी जगह पे बैठ जा बच्ची, हमेशा तरोताजा बनल रह। खुशबू के सम्मानित केला के बाद अब सब कर निगाह टिकल बटे कि आज के भंवर जाल में फंसल बटे और रिजल्ट हमरे हाथ में आ गिल बटे। आज जे भंवर जाल में फंस गिल बटे वो पहला महायोद्धा के नाव बटे बिहार के प्रिया राज। दू लोग और जे भंवर जाल में फंसल बा वही लोग बाटे जो पिछला भंवर जाल में भी फंसल रहे। शायद उन लोग के परफॉर्मेंस पे लगातार गिरावट आ रहल बा, वरना आज भी भंवर जाल में फंसे वाला नाम सुभा मिश्रा और उमेश नहीं रही। एकरा के हमनी के जिंगे विराम देहल जी, भंवर जाल के जाल से थोड़ा सा बाहर निकलता नहीं और चाहत नहीं कि दबंग के टीम अब हमनी के मंच पे आ जाए, कार्यक्रम के समापन कर जाई नाचत गावत वही गाना में कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो आज के बेस्ट मोमेंट बाटे आपके स्क्रीन पर।